राजस्थान रोडवेज के श्रमिक संगठनों द्वारा आज जयपुर सहित प्रदेश भर में रोडवेज की सभी इकाइयों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन में रोडवेज कर्मचारियों की 11 सूत्रीय मांगों को रखा गया। साथ ही राजस्थान स्टेट रोडवेज एम्प्लाइज यूनियन एटक, राजस्थान रोडवेज वर्कर्स यूनियन सीटू, राजस्थान रोडवेज मजदूर कांग्रेस इंटक, RSRTC रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन, राजस्थान रोडवेज सेनानिवृत्त कर्मचारी कल्याण समिति के संयुक्त मोर्चा के आधार पर राज्य सरकार द्वारा चुनावी वादे पूरे नहीं करने के विरोध में, पुलिस प्रशासन द्वारा रैली की अनुमति नहीं दिए जाने के विरोध में रोडवेज के आक्रोशित सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारी द्वारा रोडवेज बचाओ रोजगार बचाओ संकल्प के साथ 11 अगस्त को जयपुर में प्रदेश स्तरीय विशाल आम सभा का आयोजन किया गया। वहीं सरकार द्वारा चुनावी वादे पूरे नहीं करने व पुलिस प्रशासन द्वारा रैली की अनुमति नहीं दी जाने के विरोध में आक्रोशित कर्मचारियों ने जयपुर में प्रदेश स्तरीय विशाल आम सभा की। 5 सितंबर को 24 घंटे प्रदेशव्यापी हड़ताल की घोषणा की है। साथ में 22 अगस्त को प्रदेश भर में रोडवेज की सभी इकाइयों द्वारा अर्धनग्न होकर धरना प्रदर्शन करेंगे। 25 अगस्त को प्रदेश भर में रोडवेज की सभी इकाइयों द्वारा कर्मचारी विरोधी नीतियों का पुतला दहन किया जाएगा। 3 से 4 सितंबर को जयपुर सहित प्रदेश भर में रोडवेज की सभी इकाइयों द्वारा दिन रात धरना दिया जाएगा, जो कि 4 सितंबर को रात्रि 12 बजे बाद प्रदेशव्यापी हड़ताल में परिवर्तित हो जाएगा। देखो जी, रोडवेज को बचाने के लिए रोडवेज का एक संयुक्त मोर्चा बना हुआ है, जिसमें 5 संगठन शामिल हैं। 5 संगठन शामिल हैं, उनके द्वारा प्रदेश के नेतृत्व में ये प्रोग्राम बनाए गए हैं। प्रोग्राम बनाने के बाद में 16 तारीख को सभी राजस्थान के सभी शाखाओं में सभी बस स्टैंडों पर कर्मचारी संगठित होकर आज प्रदर्शन कर रहे हैं। उसका मुख्य कारण यही रहा है कि कुछ वर्षों से रोडवेज को, चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, रोडवेज के लिए किसी भी बजट में कोई भी किसी तरह की सहायता नहीं की गई। हालात ये हुए पड़े हैं रोडवेज के अंदर, कर्मचारियों को 2-2 महीने वेतन और पेंशन, जो कि एक मजदूर को उसकी मजदूरी के तुरंत बाद मिल जाना चाहिए, वेतन जैसी चीज़ आज नहीं दी जा रही है। हालात ये हैं कि रिटायरमेंट कर्मचारियों को 13-13 महीने हो गए, जिनको कि रिटायरमेंट के अगले महीने के अंदर सभी परिलाभ मिल जाने चाहिए, लेकिन अब 13-13 महीने हो गए। उनके सपने थे कि रिटायरमेंट के बाद हमको अपना परिलाभ मिलेगा और हम जो भी समाज की हमारी जिम्मेदारी करेंगे, लेकिन 13 महीने से उनको भुगतान नहीं मिल रहा। इसी प्रकार रोडवेज के अंदर पिछले 5-7 साल से एक कर्मचारी की भर्ती नहीं हुई। किसी टाइम पर रोडवेज में 25,000 कर्मचारियों की संख्या हुआ करती थी, जो आज 12,000 कर्मचारियों की रोडवेज के अंदर हैं। वही कारण है कि यार रोडवेज में भर्ती नहीं होने के कारण हमारे चालक परिचालक, जहाँ उनको 8 घंटे की नौकरी लेनी चाहिए, समय पर उनको रेस्ट और छुट्टी दी जानी चाहिए, उन्हें किसी तरह का रेस्ट या किसी तरह का अवकाश नहीं दे जाकर 15-15, 16-16 घंटे उनसे काम लिए जा रहे हैं। आज से 5 साल पहले रोडवेज के अंदर जो किलोमीटर संचालित थे, वही कम कर्मचारियों में आज भी रोडवेज के कर्मचारी चालक परिचालक चलाए जा रहे हैं। आगे हमारे 22 तारीख का हमारा अर्धनग्न प्रोग्राम है। इस तरह से हमारा क्या है कि लगातार, और 5 तारीख को हमारे पूरे राजस्थान के अंदर रोडवेज का 4 तारीख की नाइट के बाद एक दिन का चक्का जाम रहेगा। अगर सरकार नहीं मानती है तो हमारी मजबूरी है कि एक दिन के 48 घंटे के चक्के जाम के अलावा कंटिन्यू भी रख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में रोजी रोटी के लिए किसान आंदोलन के अलावा कोई विकल्प नहीं है। क्या नाम है सर आपका? संजय चौधरी, एटेक यूनियन प्रदेश जनरल सेक्रेटरी।